नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत में बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। सीएम गहलोत महंगाई से राहत दिलाने के लिए लगातार मैराथन दौरा कर रहे हैं। सीएम गहलोत आज अलवर और शाहपुरा के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त है जब अलवर में मिनी सचिवालय के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे और उसके बाद 12:30 बजे का वक्त रहने वाला है जब मुख्यमंत्री अलवर के टपुकड़ा में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करेंगे। और अलवर के बाद सीएम शाहपुरा पहुंचेंगे जहां मुरलीपुरा गांव में आयोजित महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करके लोगों से फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे। तो अलवर और शाहपुरा का दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और जी मीडिया संवाददाता स्वदेश कपिल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। स्वदेश, अलवर और शाहपुरा का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा रहने वाला है, महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करेंगे, क्या है पूरी जानकारी कार्यक्रम से मुतल्लिक? मनी, आपको बताना चाहूंगा आज सीएम का अलवर दौरा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे अलवर के पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान 2013 में इसका उद्घाटन कराया था, शिलान्यास निर्माण के लिए रखा था। आज 10 साल बाद ये पूरा होने जा रहा है। एक सपना है अलवर के लिए, मिनी सचिवालय मिलेगा। वही दूसरी ओर बताना चाहूंगा कि जितनी भी जो गहलोत की योजना है राहत कैंप पे, उस पर विशेष फोकस रहेगा क्योंकि अलवर में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बगल में सरस डेयरी है जहाँ काफी बड़ी सभा होगी, जिसको लेकर टीकाराम जूली, कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और जुबेर खान पूरी स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। वही कलेक्टर एसपी सारी जगह निगाह रखे हुए हैं। कल औचक निरीक्षण किया गया मिनी सचिवालय का, जहाँ कलेक्टर रूम और अन्य जो दफ्तर आएंगे रेवेन्यू बोर्ड के, उन सब की बारीकी से जांच की गई। किस तरह मुख्यमंत्री आएंगे और उनको दिखाया जाएगा कि आपने जिस चीज का उद्घाटन किया आज वो पूरा होने जा रहा है, एक सपना है। उसके बाद यहाँ से टपुकड़ा रवाना हो जाएंगे क्योंकि 10 बजे जयपुर से रवानगी का प्रोग्राम है, 11 बजे अलवर है और 12:15 बजे यहाँ से उड़ेंगे। इस पूरे सारे कार्यक्रम को लेकर रूट, बसों का रूट और वाहनों का रूट डायवर्ट, तो क्या पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है, ये जानकारी स्वदेश कपिल ने साझा की है। आगे की जानकारी आपसे लेते रहेंगे कपिल, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।